और चाचा जी आए हमारे गांव से, उसमें मत गिरा देना पकोड़े में। सो हेलो पब्लिक, की हाल चाल? आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आपका स्वागत है यार आपके चैनल दीप यार ब्लॉग। तो यार आज तारीख है 20 और डे है यार आज मंडे का। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, अपना उठ चुके हैं वर्कआउट के लिए। तो यार अभी जाते हैं जिम वगैरह करते हैं, अभी थोड़ा सामग्री इकट्ठा करते हैं, अपना जाना है जिम। सो जाते हैं थोड़ी देर में। तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमने कल का ब्लॉग नहीं कर, कल का ब्लॉग जाकर देखो, बस यार कमेंट कर दिया करो, कमेंट सेक्शन पूरा भर दो उसका। तो बस ये रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया करो। तो आज का ब्लॉग जो भी होगा वो आपकी नजरों के सामने होगा, वीडियो में होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों रेडी वेडी मैं हो चुका हूँ। सो अब जाना है थोड़ा ऊपर, थोड़ा अपना डाइट राइट लेकर आएंगे सुबह की। सो अभी जा रहा हूँ ऊपर, फिर दीपू भाई आने वाले हैं, अभी फोन करने वाले मेरे को, तो उनके साथ जाएंगे। ओके दोस्तों, यार मैंने जूते तक पहनने तैयारी व्यारी कर ली है फुल। सो अपनी डाइट भी ले आऊँ, अब दो के दिखाऊंगा। सो अब बस अपने भ्राता श्री के लिए रुके हुए हैं, वो आते ही हम भी चलेंगे अपने मसल गेन करने। सो उनका इंतजार करते हैं बस। तो दोस्तों अभी हम आगे जिम से वर्कआउट करके पसीना पसीना हो गए हैं, तर बितर हो गए हैं। तो अभी घर जाते हैं, दीपू भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो दीपू भाई हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे, सुबह सुबह वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये बोल रहे हैं डन डन होना चाहिए, तो करा करो यार तुम भी, समझदार हो समझ जाओ। तो दोस्तों अपन को यार थकने के बाद भी दूध लेने जाना पड़ता है, तो यार अभी दूध लेकर आते हैं घर के लिए, फिर आपसे बातचीत करते हैं। ओके दोस्तों, यार जो मॉर्निंग की वाइब्स होती है ना वो अलग ही होती है, क्योंकि अब ये धूप पड़ रही है और मजा आ रहा है बिल्कुल, और चौंधे आ गए हैं बिल्कुल। तो अभी सही है, बढ़िया है बिल्कुल, सुबह की गर्मी ले रहे हैं तो ओके। तो दोस्तों अभी आ गया ऊपर दूध लेके। ओहो आज को आएगी, आज को आएगी भैया, आज हमारे आए हैं चाचा जी। चाचा जी पहला, और चाचा जी आए हमारे गांव से आज। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई गांव से आता है हमसे मिलने के लिए, यार बहुत अच्छा लगता है, मन से बड़ा अच्छा लगता है। तो आज चाचा जी आए हमसे मिलने, बड़े दिनों बाद आए हैं चाचा जी। आज कैसे टाइम मिल गया आपको ये बताइए? यहाँ कोई काम आया था। अच्छा काम आए थे हमारे चाचा जी, वहाँ तक घूम के आते हैं, दिल्ली की हवा खा के, ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ। और क्या चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो हमारे पापा जी बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग चाचा जी, और मम्मी जी भी काम कर रही है हमारी, रोटी बना रही है। सो भाई काम करने दो, जो काम कर रहा है, हमें तो भाई अपना काम करना है। सो चलिए। तो दोस्तों यार अभी थोड़ा देखो थक गया हूँ और यार पसीना भी आ रहा है। सो यार अभी नहाते हैं और यार ट्यूशन भी जाना है मुझे अभी, तो नहा लेते हैं, पहले सबसे पहले नहा लेते हैं। तो दोस्तों नहावा लिया यार मैंने, और यार देख लो 8 बजने वाले हैं और ट्यूशन का टाइम होने वाला है मेरा, तो अभी भागना पड़ेगा मुझे, अब जाना पड़ेगा वहां पे। सब मैं जा रहा हूँ वैसे तो यार गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो टाइम के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो अभी घर पहुंचते जल्दी जल्दी, फिर आपसे बात करेंगे। ओके दोस्तों यार अभी घर पहुंचे, और घर पहुंच के यार जो हमारे चाचा जी आए थे गाँव से वो यार जा चुके हैं, क्योंकि उनको यार गाँव भी जाना था इसलिए लेट भी हो रहा था, तो चले गए। तो अब आगे जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। ओके नाराज मत होना बस। तो साथियों अब हो गया हमारे दिन के खाने का टाइम, तो दिन के खाने में बना है आज बीन्स की सब्जी और रोटी है। ओ, ये क्या देख रही है, क्या देख रही है तू है? आजा आजा आजा। तो अभी इसको भी खिलाते हैं, तो थोड़ी देर में मिलेंगे। तो साथियों यार मैं बोलता ना खाने के बाद यार कुछ तो मीठा हो जाना चाहिए, तो मीठे में आज है स्नेकर्स, तो ये भी है। अरे गिर गया था अभी मेरा फोन, डांडे खेलेंगे, अमी को तोड़ दे वगाड़ मारो ही बेटा, अब तू गई बेटा, अब तेरी तोड़ूंगा, इसने मेरी चॉकलेट तोड़ दिया है। तो दोस्तों यार मैं सोच रहा था कि यार मैं घर में बैठा बैठा बोर तो हो रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं बोर भी ना हूं और काम भी हो जाए। सो मैं सोच रहा था कि गिटार की स्ट्रिंग काली वाली हो रही है, तो इसकी चेंज ही करो है ना, तो अभी मैं इसमें अप्लाई करूंगा ऑयल और ये क्या बोलते हैं नींबू। तो ये मैं घर में बनाता हूँ अपना, मतलब घर में ही साफ ऑफ करता हूँ, पूरा क्लीन करता हूँ, सर्विस देता हूँ। सो
अभी यार देखो ये पजामा भी पहन रखा मैंने तो यार थोड़ा अभी खुला खुला हो जाता है, निकर पहनेंगे तो अभी चेंज कर लेते हैं। ओके तो दोस्तों अपने ओपन ओपन लुक में आ चुके हैं, अंकल वाला निकर पहन लिया है हमने। सो अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब इसकी सर्विस करने देंगे। वह तारे तो सही हैं पर मेरे को पसंद नहीं आ रही, तो अभी मैं ये लेकर आया था जब मैं दरियागंज गया था तो ये वाली स्ट्रिंग लेकर आया था, तो अभी इसको चेंज करेंगे, इसमें लगाएंगे फुल। अभी पहले गाने सुनेंगे, गाने सुनते सुनते लगाएंगे भाई। तो दोस्तों रुको रुको रुको, आपको यार एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो 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 ये गिटार है, ये देखो, ये बताओ नंगा गिटार किसने देखा। इसको मैं यार 2-3 महीने में देख रहा हूँ ऐसा। सो ये देखो तार वार निकाल दिया है, सब वेस्ट है। सो अभी इसकी क्लीनिंग व्लीनिंग करते हैं अच्छे से, बिल्कुल तेल मालिश करते हैं इसकी, थोड़ा इसको मजबूत बनाते हैं। अभी देखो दोस्तों बोय आ गई है, गेट खटका रही है इसका गेट को। आजा बेटा आजा आजा, कमोन बेटा कमोन। अभी तू काली कितनी हो रही है, काली दिखाई दे रही है। ओ पुड़िया, ये तो शराब की पुड़िया है। ये ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई इसकी। सो क्या लेकर आ रही है तू? अच्छा ये शेक लेकर आ रही है जो अब एक दिन पिया था हमने। सो यार मस्त हो रहा था, आज भी पी लेंगे तो पीते हैं यार। अब मैं खा रहा हूँ केला, और यार पता है शक्ति चाहिए क्योंकि 1.5 घंटे से यार मैं बता क्या गिटार की तारे लगा रहा था और भाई साहब पूरी लग चुकी है, पूरा चमका दिया है। तो बन चुका है अपना गिटार। सो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी नई नई स्ट्रिंग डाली है तो बजाने में भी मस्त हो रहा है। सो अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों अपने दिन के खाने की तैयारी हो रही है, तो आज ये बना रहे हो है, कौन सा दिन है भाई आज, कैसे दिन आ गया ये रोटी बनाने का, कभी तो बनाती नहीं है। तो यार आज जो भी खाना है वो यार बचा कुचा जो भी अपना कल परसों का वही खा रहे हैं। और मम्मी को देखो, मम्मी को कितना हंस रही है, और वो अपने सच्चाई छुपा लो। सो भाई है वासी खुशी, क्या दिखाऊंगा दोबारा, तो खा लेंगे अपना पेट भर लेंगे फिर आपसे बात करेंगे। तो खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा हो जाए तो यार मीठे में क्या है हमारा, ये पता नहीं कौन सा वनीला शेक है, सोडा वोडा। तो मम्मी पियो, अच्छा बटर स्कॉच, तो यार पी लो पी लो पियो पियो पियो, अब हम भी पी रहे हैं इसमें पियेंगे हम। तो चीयर्स चीयर्स, सब पी रहे हैं। कैंट भाई साहब। तो दोस्तों हमने यार खाना पीना खा लिया है, पेट पूरा भर गया है और मीठा भी खा लिया है यार। तो अब क्या बारी है सोने की, और यहाँ सो रहे हैं। तो दोस्तों यार अभी मैं उठा हुआ हूँ, तो अभी पता कितने बज रहे हैं, सोचो 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 कितने बज रहे हो। तो अभी बज रहे हैं 8। तो अभी 8 बजे उठ रहा हूँ, 8 बजे नींद खुल लिया भाई, 2-2 बजे सोता हूँ मैं रात में एडिटिंग पूरी करके। तो कोई नहीं, हम जारी रहेंगे वीडियो बनाना, जारी रहेगा, छोड़ेंगे नहीं। पता चलता है हमें कि यहाँ बनाए जा रहे हैं घिया के कोफ्ते भाई साहब, मम्मी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो बड़ी मेहनत लग रही है आपकी, लग रहा है ना? हाँ। और पसीने देख रहे, पसीने थोड़ा पसीने दिखाओ, उसमें मत गिरा देना पकोड़े में, पकोड़े गीले हो जाएंगे हमारे। तो आज घी के कोफ्ते बन रहे, मम्मी बना रही है। सो यार मम्मी बड़ी टेस्ट घी के कोफ्ते बनाती है, बिल्कुल मिर्ची डाल के, और मिर्ची लग जाएगी आपको, तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पापा भी आते हुए थक के चूर हो गए हैं, आ जाओ पापा जी नमस्ते। तो पापा जी भी आ गए हैं, तो अभी चाय पानी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अब हो गया हमारी चाय का टाइम, और चाय के साथ चल रहा है हमारे जो अभी बनाए हैं घिया के कोफ्ते, वही थोड़ा सा ले लेंगे। और चाय चल रही है, यहाँ चल रहा है, पापा बैठे हुए हैं, पकौड़े भी चल रहे हैं, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल फुल फुल। तो दोस्तों अब हो गया हमारे रात के खाने का टाइम, और रात के खाने में यार आपको दिखाया था मैंने कोफ्ते बने हैं बिल्कुल स्पाइसी स्पाइसी, और स्वाद आ जाएगा भैया, स्वाद आ जाएगा स्वाद। तो स्वाद ले रहे हैं अभी, थोड़ी देर में मिलता है आपसे। ओके
तो दोस्तों आज के व्लॉग में था इतना ही। तो आई होप कि यार आप सबको यार पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो पता है आपको क्या करना, लाइक करो और कमेंट कर दो यार, बस एक प्यार से कमेंट। और कल का व्लॉग भी देखो, कल का व्लॉग जाके देखो। और यार और कुछ नहीं, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, यहाँ जाके लाइक करो, फॉलो करो। और यार कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हर जवाब देगा। तो रिप्लाई लेट में आएगा तो कोई बात नहीं, पर आएगा जरूर तुम्हारे पास। सो टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो बाय।